ग्रेविटैग बेंटन के सबसे रहस्यमय एलियनों में से एक, जिसे मैं आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले एक्सप्लेन करने वाला था, पर क्योंकि ये एलियन इतना इंटरेस्टिंग और रहस्यमय था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बेंटन की एलियंस की ओरिजिन को ग्रेविटैग के साथ खत्म किया जाए, क्योंकि ग्रेविटैग बेंटन के मोस्ट पावरफुल एलियनों में से एक है, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकता है। पर फिर भी बेंटन में कभी भी ग्रेविटैग की ओरिजिन को दिखाया ही नहीं गया। आखिरकार ग्रेविटैग है कौन, ग्रेविटैग की स्पीसीज बिलोंग कहाँ से करती है, और ग्रेविटैग का प्लैनेट कहाँ है, और ग्रेविटैग कैसे इतना ज्यादा पावरफुल है, तो आज हम ये सब जानेंगे इसी वीडियो में और पता लगाएंगे ग्रेविटैग की ओरिजिन और इससे जुड़ी वो हर बात जो ग्रेविटैग के फैंस को पता होनी चाहिए। तो बस वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। ना ग्रे मैटर चाहिए, ना ही नैनो मैक, ये कौन है? तो यार देखो, ग्रेविटैग की कहानी की शुरुआत होती है दूर, बहुत दूर, पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर, एक दूसरी आकाशगंगा से, जहाँ ग्रेविटैग की स्पीसीज रहती है जिनका नाम गैलीलियन है, और सभी गैलीलियन बिलोंग करते हैं केपलर नामक एक प्लैनेट से जो इनका होम वर्ल्ड है। पर गैलीलियन इस प्लैनेट पर रहते नहीं हैं, बल्कि वो केपलर के ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, यानी जो केपलर है वो एक प्लैनेट की तरह है, जहाँ सभी गैलीलियन खुद को एक प्लैनेट के शेप में ढालकर केपलर की परिक्रमा करते हैं, जहाँ छोटे छोटे गैलीलियन से लेकर बड़े बड़े गैलीलियन होते हैं, और ये सभी केपलर की परिक्रमा करते हैं, जहाँ से इनको ऊर्जा मिलती है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि सभी गैलीलियन स्वभाव से शांत और काफी बुद्धिमान होते हैं, और इन्हीं में से कई गैलीलियंस सौर मंडल में कभी कभार घूमने निकल जाते थे, और मे भी हो सकता है कि इन्हीं में से किसी एक गैलीलियन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में एज अ सैंपल की तरह लिया गया हो। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब गैलीलियन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें वापस अपने प्लैनेट केपलर पर आना पड़ता है, जहां वो केपलर के ऑर्बिट में घूमते घूमते अपनी ऊर्जा दोबारा एकत्रित कर लेते हैं। इसके अलावा जो गैलीलियन होते हैं उनके पास काफी लाजवाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है, जिससे गैलीलियंस ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाते हैं और उसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और अपनी ग्रेविटी की मदद से उड़ भी सकते हैं, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी पावर है वो है कि गैलीलियंस अपनी पावर्स की मदद से ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि एक बार ब्लैक होल क्रिएट होने के बाद ज्यादातर गैलीलियंस इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ ही गैलीलियंस का तो घर ही स्पेस में होता है, इसलिए गैलीलियंस स्पेस में बिना किसी परेशानी के सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पावर्स है गैलीलियंस के पास, जो गैलीलियंस को एक बहुत ही पावरफुल और एक डेंजरस एलियन बनाती हैं, और इन्हीं में से एक गैलीलियन हमें बेंटन में पहली बार बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिलता है, जहाँ इसका नाम बैन ग्रेविटैग रखता है। पर ये एलियन हमें बेंटन अल्टीमेट एलियन में दिख जाता, क्योंकि एक बार एल्बिडो से लड़ते वक्त अल्टीमेट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और उस समय ओमनीट्रिक्स में से ग्रेविटैग अनलॉक हो गया था, पर बैन को इसकी कोई खबर नहीं थी कि उसके ओमनीट्रिक्स से एक नया एलियन अनलॉक हो चुका है, और इसीलिए ग्रेविटैग हमें तब वहाँ देखने को नहीं मिलता। पर आगे चलकर ये एलियन हमें बेंटन ओमनीवर्स में तब देखने को मिलता है जब बैन फ्रांस बनना चाहता था, पर ओमनीट्रिक्स उसको ग्रेविटैग में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ना ग्रे मैटर चाहिए, ना ही नैनो मैक, ये कौन है? जहाँ बैन को ग्रेविटैग की पावर्स के बारे में 1% भी अंदाजा नहीं होता है, पर धीरे धीरे आगे चलकर बैन को ग्रेविटैग की पावर्स का अंदाजा हो जाता है, जिसके बाद बैन कई बार बड़े बड़े विलन्स को ग्रेविटैग की मदद से हराता है, जहाँ एक बार तो बैन ने ग्रेविटैग की पावर से ब्लैक होल तक क्रिएट कर दिया था, तो एक बार रुक छोटा होकर ग्रेविटैग के सर के अंदर जाता है, जहाँ वो ह्यूलेक्स को शांत कराता है ताकि वो ग्रेविटैग के सर के अंदर तोड़फोड़ ना करें। इसके अलावा हमें एल्बिडो का अल्टीमेट ग्रेविटैग भी देखने को मिलता है, जहाँ ग्रेविटैग के पास 3 नई पर्सनैलिटी होती है, और यहाँ ग्रेविटैग पहले से कई गुना पावरफुल हो जाता है, जिसकी पावर्स और इन्हेंस हो जाती है। साथ ही ग्रेविटैग में बैड बैन भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है बैन प्राइम से लड़ते वक्त। इसके अलावा जो ग्रेविटैग की पावर है उसको भी एक बार बदला जा चुका है, जहां इसे पर्पल से ग्रीन कर दिया गया था, और जो बैन 23 का ग्रेविटैग है उसका नाम ऑर्बिट मैन है। इसके अलावा मैं आपको ग्रेविटैग की बॉडी के बारे में बता देता हूँ, जो रॉक की तरह होती है, और इन्हीं रॉक्स के बीच में ग्रेविटैग का रेड कोर होता है, और ये जगह ग्रेविटैग की सबसे कमजोर जगह होती है, और अगर इस जगह पर अटैक किया जाए
तो ग्रेविटेक काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और जो ग्रेविटेक है वो हमें बेंटन यूनिवर्स में एस्ट्रोडिक्टल और ग्रेविटेक का फ्यूजन भी देखने को मिलने वाला था, पर किसी कारण से इसे बेंटन यूनिवर्स में नहीं दिखाया गया। तो बस यहाँ ख़त्म होती है ग्रेविटेक की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी और इससे जुड़ी हुई हर बात। तो अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। और इसी के साथ खत्म होती है बेंटन के आखिरी बचे हुए एलियन की ओरिजिन। शुक्र है कि सब खत्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करना ताकि मुझे ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपकी कोई राय है जो आप देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। तो बस फिर मिलते हैं बेंटन के ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ग्रैव अटैक, इसी से काम चलाओ।